हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश, और आज हम लोग नाइन्थ स्टैंड का सेकंड चैप्टर वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। देखिए, इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिये, एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब काम करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगा तो मैं वर्क डन नहीं कर पाऊंगा, वर्क नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। समझ में आ रहा? इसके वाला हम लोग ने वर्क पढ़ा था। तो वर्क परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। देखिए, नेचर में बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी है। लाइट एनर्जी है, मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो इतने सारे एनर्जी है, तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, जहां पे मोशन वगैरह कुछ इन्वॉल्व होता है, जहां पे कुछ टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, बॉडी मूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी में हम लोग कौन सा टाइप पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन का ही दूसरा नाम क्या है, मूविंग का दूसरा नाम क्या है, काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोशन, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। The energy an object has because of its motion is called kinetic energy. Kinetic energy को हम लोग के ई से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट देखू तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द सब्सटेंस, और वी क्या है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए ये एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, सेम एज वर्क, वर्क की जो होती है वही इसकी भी होती है, क्या होती है, जूल, ठीक है। वर्क भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, तो वर्क का जो यूनिट है वो एनर्जी का भी वही यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, सेम एज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क विच इज अर्थ, ठीक है। ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ये। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्थ होगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रस्ट पे है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ट्रस्ट पे है, ऐसे रेस्ट पे, तो इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन होता है इसका, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो उसके पास उसके पोजिशन के जैसे कुछ एनर्जी उसके पास स्टोर होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों भी क्या है, सेम पोटेंशियल पे, दोनों का लेवल क्या है, सेम, तो दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है। फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट के पास, सॉरी, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर कोई स्टेट ऑफ पोजिशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी। जैसे मानते हैं स्प्रिंग है मेरे पास, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जनरली कैसा, अगर रिलैक्स पोजिशन में रहेगा तो स्प्रिंग ऐसे रिलैक्स रहेगा, ओके। अब मैं स्प्रिंग को क्या करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके उसको दबा देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो स्प्रिंग ऐसे दब गया, अब वो एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ पोजिशन में आ गया, ठीक है। तो इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी,
अब इसके पास अगेन पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे मालूम पड़ेगा मुझे ज्यादा है, जब मैं इसको प्रेस करूंगा, मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया जिसके वजह से ये क्या हो गया, प्रेस हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। जब मैं इसको रिलीज करूंगा देखो कैसे एकदम ऐसे ऐसे करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा एकदम स्पीड में, मतलब उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है तभी तो ये वाइब्रेट कर पा रहा है, मोशन कर पा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और एच इज द हाइट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, सेम एज ये भी क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का जैसा यूनिट है इसका भी वही होगा जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, ये दो फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट ये आए कैसे, ये बने कैसे, इनका फॉर्मूला ये ऐसे आया कैसे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये कैसे आया उसके बारे में हम लोग डिराइव करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम डिराइव करेंगे। ओके, ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है हमारा, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन मतलब क्या, वही जो फॉर्मूला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती कब है वो पहले समझते हैं। से मान लेते कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट पे था, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऐसे टेबल पे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट पे था, इसका मास मान लेते हैं m, इसका मास है m, और ये जब रेस्ट पे रहेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। रेस्ट पे होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, यहां से फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, क्या करेगा, आगे कुछ वी स्पीड से मोशन करना स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। मतलब ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन करेगा यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या, इसने मान लेते हैं एस, जब आगे बॉडी मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको मान लेते क्या है, एस है। ओके, तो ये मैंने क्या किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क होता है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क हुआ। ठीक है, अगर मैं बॉडी पे वर्क करता हूं तो बॉडी पे वर्क करने से क्या आ रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, रेस्ट पे था, इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ, और वर्क डन करने से ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, वर्क डन करने से ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलती है ऑब्जेक्ट को, बिकॉज ऑफ दी वर्क डन। अगर मैं वर्क करूंगा तभी तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी आएगी। जैसे मान लो कोई कार रेस्ट पे है, उसको धक्का मारेंगे तो वर्क डन करेंगे तब वो कार मोशन में आ जाएगा, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। कैसे आई, बिकॉज ऑफ दी वर्क डन, उसको धक्का मारा तो वर्क डन किया। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोर्स, फोर्स का जनरल फॉर्मूला आपको क्या मालूम है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंस फोर्स इज व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। कितना क्लियर है, तो ये मेरे पास फोर्स की जो वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू है, मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एंड एस इन इक्वेशन वन, वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखते हैं इक्वेशन वन क्या हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना है मेरा, हाफ एटी स्क्वायर।
अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे मिलेगा कुछ। तो बस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, हाफ एम ए टी द होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा है कि जो v होता है ऑल्सो, v क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो क्या होगा, v क्या हो जाएगा, ए टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड के स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी द होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी द होल स्क्वायर, और यही वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 80 स्क्वायर की जगह। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम 80 स्क्वायर, जो है 80 स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्लियर है, एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कहां से आया। ठीक है, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास दो ऐसे सरफेसेस हैं, जैसे एक अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऐसे हाइट पे कुछ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो इसके इसका हाइट ज्यादा है, ये हाइट एच टू है, ये हाइट एच वन है, तो एच टू हाइट ज्यादा है एच वन से, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, क्या क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, एम जी एच, हाइट ज्यादा है सरफेस से तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, अभी मान लेता हूँ ये मेरा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे अर्थ पे था, मैं इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैं अर्थ के कुछ एच हाइट पे इसको लेके आ गया। अब देखिए, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे नीचे कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, इसका वेट जो लगेगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, वेट, ये वेट यही क्या है, फोर्स है, और ये कौन सा कितना होगा, mg के इक्वल होगा, वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, क्लियर है। अभी जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर लेके जाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए मुझे, जो कि कितना होगा, इसके रेसिप्रोकल होगा, इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो ठीक है, इतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए ताकि मैं इसको ऊपर पुल कर पाओ। ठीक है, जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट h बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्क किया, और वर्क करने का से क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क करने का से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास गेन हो रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या बोल सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहां से मिलती है ऑब्जेक्ट को, जब उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कुछ वर्क परफॉर्म होगा तभी उसके पास पोटेंशियल आएगी और तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हुआ, एमजी के इक्वल अप्लाई हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हाइट जितना हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एमजी एच। तो ये क्या था हमारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ही सिंपल था। ठीक है, होप्स आपको दोनों भी टाइप्स ऑफ एनर्जी से समझ में आ गया होगा, उसके डेरिवेशंस भी, एक्सप्रेशंस का कैसे डिराइव किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे के लेक्चर्स हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आगे के जो भी पार्ट्स हैं, फ्री फॉल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पावर है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।